डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर आवासीय इलाकों में खोले गए ओयो होटल आसपास के लोगों के लिए शर्म का विषय बन गए हैं। खुलेआम वहां हो रही अय्याशी का सीधा असर समाज पर पड़ रहा है। जानी क्षेत्र में इसी तरह की गतिविधियों का विरोध करते हुए आज भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का की अगुवाई में महिलाओं ने मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सराय एक्ट को दरकिनार रखकर खोले गए इन होटल में समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाली गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मौके पर मौजूद दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का गोयल ने यह कहा। संजीव सिक्का, मैं उत्तर प्रदेश में सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूँ और सभी अधिकारियों से बात हुई है। आज सब माताओं बहनों का कहना था कि एक बार ही हम अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, इसी निमित्त यहाँ आए हैं। सार्थक सिटी जो बाईपास पे बागपत रोड वाला जो पुल है उससे उसके नज़दीकी कॉलोनी है और उस कॉलोनी में 250 परिवार लगभग रहते हैं। उन 250 परिवार में 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पति देश की सेवा करने के लिए आर्मी में हैं, वो बॉर्डर पे तैनात हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने यहाँ उन्हें रखा हुआ है। और उस कॉलोनी के अंदर लगभग 30 से 40 जो रेजिडेंशियल मकान हैं उन मकानों में लोगों ने अनाधिकृत तरीके से ओयो होटल चला रखे हैं जो नियम विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर कॉमर्शियल गतिविधि नहीं हो सकती। और वो कॉमर्शियल ही नहीं, वो गतिविधि तो समाज के भी खिलाफ है और उसका पूरा प्रभाव इन कॉलोनी पे पड़ रहा है। ये सब लोग व्यथित हैं, इनके साथ 2-3 बार मारपीट भी हुई है इन बहनों के साथ। किसको ज्ञापन देना है? मेरी बात हो गई थी DM साहब से भी, उन्होंने भी कहा था कि इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत बंद कराएंगे। SDM साहब से भी मेरी बात हुई है, ADM से भी बात हुई है, अभिषेक जी से कल मेरी बात नहीं हुई थी, क्योंकि MDA की कॉलोनी है, सीज की कार्रवाई इन्हें ही करनी है, इसीलिए हम जो आज VC साहब से मिलने आए हैं, अभिषेक पांडे जी से। प्रदर्शनकारियों में शामिल अर्चना ने यह जानकारी firstbite.tv को दी। अर्चना जी, MDA ऑफिस आए हो, क्या मामला है? मामला ये है जी, महिलाएं बहुत तंग हैं, कुछ महिला हाउसवाइफ हैं, कुछ नौकरी चाकरी वाली हैं, और जो हाउसवाइफ हैं वो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो हमारी बहनें हैं वो करती हैं, नौकरी कर रहे हैं जो, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनके साथ हम भी बहुत परेशान हैं। घर के सामने ही बिल्कुल वो होटल चला रहे हैं और जो उस चीज़ से बहुत परेशानी है, सब जगह करी थी हमने इसी शिकायत, जानी थाने में भी करी, DM के यहाँ भी हम 2 बार आ चुके हैं, कोई सुनवाई अभी तक नहीं थी, लेकिन अब कुछ कल से हमें कुछ प्रोग्रेस लगी है और इस पर हम हटेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।